गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और क्या हाल है यहाँ पे? देखिए बहुत अच्छा सा सीन है, कोहरा चारों तरफ है। यहाँ पे कोहरा ज़्यादातर दिखता ही है ठंडियों के समय में। सुबह सुबह देखिए कोहरा कितना अच्छा छाया हुआ है। हमारा स्क्रीन धुंधला नहीं हुआ है, एक्चुअली कोहरे के वजह से ऐसा दिख रहा है, सब चीज़ धुंधला धुंधला दिख रहा है। पास की चीज़ें आपको शार्प दिखेगी। देखिए गाड़ी को जाते हुए चलिए हम भी ड्राइव करते हैं अपनी गाड़ी और थोड़ा मज़ा लेते हैं मौसम का। ये है मेरी गाड़ी, चलिए मजा लेते हैं ड्राइविंग का। सुबह के 7 बज रहे हैं, टेम्परेचर है 15 डिग्री, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी 97% है। पर एक चीज़ अच्छी है कि हवाएं बहुत कम स्पीड से चल रही है, 2 किलोमीटर की स्पीड से हवा है, तो उतना ठंडा नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए था। रास्तों की हालत सही नहीं है। थोड़ा कम है खुले रास्तों के मुकाबले में, जहाँ पे गांव है जहाँ पे घर ज़्यादा है वहाँ पर तो कोहरा लगता है। इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये कोहरा है, ऐसा लग रहा है बादलों में से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा है। और एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप कोहरे में ड्राइव करें अपनी हेडलाइट जरूर चालू कर दीजिए, इससे ये होगा कि आगे वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि कोई गाड़ी आ रही है, और पीछे वाली गाड़ी को भी, कि आपकी ब्रेक लाइट वाली भी लाइट जल रही होगी। देखिए तो सर्दियों में हमारे गांव पे आने का ये फायदा है कि एक अच्छे मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे गर्मियाँ उतनी लगती नहीं है जितनी मेरे शहर वडोदरा में है, साल की गर्मी यहाँ पर नहीं है, लेकिन सर्दियों का मौसम बहुत जोरदार है। सर्दियों का लुत्फ उठाना हो तो खास करके उन गांव में आप जाइए जो हिमालय के पास में, हिमालय से काफ़ी नज़दीक है, इन सब गांव में और ज़्यादा अच्छा माहौल होता है। और पहाड़
पहाड़ी पे, हिमालय की पहाड़ी के आसपास और हिमालय के पहाड़ी पे जो बसे हैं गांव में, उनकी तो एक अलग ही बात है। जेसीबी की खुदाई, करीबन 7:30 बज रहे हैं और कैमरे के अंदर, मोबाइल के अंदर जितनी अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है उतनी रियल में नहीं है। यहाँ रियल में जितना कोहरा चारों तरफ दिख रहा है, मोबाइल कैमरे में उतना नहीं दिख रहा है। मोबाइल में देखने पे रास्ता काफ़ी क्लियर दिख रहा है, जबकि रियल में उल्टा है, रियल में कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। है विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन जितनी अच्छी मोबाइल में दिख रही है उतनी अच्छी नहीं है। ज़्यादातर सारी दुकानें खुल गई हैं, सब ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, पब्लिक आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं, दुकानें सुबह टाइम से खुल जाती हैं, एक नियमितता है। सर्दियों का मज़ा तो खास करके गांव में ही ज़्यादातर आता है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। सर देखिए, रेल की पटरी है, चलिए हम अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। अब थोड़ी चाय का मज़ा ले आ जाओ, ले रही हो चाय के साथ। ये देखिए कुल्हड़ में चाय, यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ पे प्लास्टिक और पेपर से बने चाय के कप का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहुत कम जगह पे यूज़ होता है, खास करके सिटी एरिया में जहाँ पे ये कुल्हड़ नहीं पहुँच पाते या उन लोगों को कुल्हड़ महंगा लगता है। चलिए दोस्तों, अपना सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं, मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो चाय हो गया, गपशप हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ लिए, करीबन 8:30 बज रहे हैं, सूरज भी निकल चुका है। देखिए चांद की तरह दिख रहा है छोटा सा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक यूं ही बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।